खबर उत्तर प्रदेश कानपुर से। कानपुर के हाई प्रोफाइल ज्योति हत्याकांड के मामले में 8 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद ज्योति के हत्यारे पति प्रेमिका समेत 6 लोगों को दोषी करार तथा 7 समेत 3 को बरी कर दिया गया। सजा के बिंदु पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। ज्योति के पिता जबलपुर निवासी शंकर नागदेव आज कानपुर जर्नलिस्ट क्लब में पत्रकारों से बात करते हुए कहा, मुझे कानून पर पूरा भरोसा था और आज कोर्ट के निर्णय पर खुशी जताते हुए कहा, न्याय की जीत हुई है। लंबे संघर्ष के बाद उनकी बेटी को न्याय मिला। शासकीय अभिवक्ता दामोदर मिश्रा ने कहा कि वह कल कोर्ट के सामने इस जानद अपराध के खिलाफ आरोपियों को फांसी देने की मांग करेंगे। जो आरोपी बरी किए गए कल कोर्ट का फैसला आने के बाद उनके खिलाफ अपील करेंगे। वहीं शंकर नागदेव ने अपने सिंधी समाज के लोगों के खिलाफ आक्रोश जताया, कहा उनके समाज के रसूखदार लोग आरोपियों की पैरवी करते रहे, उनकी कोई मदद नहीं की। वहीं उन्हें तत्कालीन IG सुतोष पांडे का आभार जताया कि उन्होंने इस केस में न्याय दिलाने के लिए बहुत मेहनत की। 2014 में हुआ था ज्योति हत्याकांड मामले में पुलिस को सही सूचना न देने के आरोप, पीयूष के भाइयों माँ को प्रयास साझ न होने के आधार पर बरी कर दिया गया था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान आरोपी पीयूष के पिता ओम प्रकाश की मौत हो चुकी। पांडवनगर निवासी बिस्कुट व्यापारी ओम प्रकाश श्यामदासनी की बहू ज्योति श्यामदासनी की 27 जुलाई 2014 को संदिग्ध हालत में हत्या हो गई थी। ज्योति के पति पीयूष ने स्वरूपनगर थाने जाकर ज्योति के अपहरण की कहानी सुनाई थी। लगभग 2 घंटे बाद पनकी में ज्योति का खून से लथपथ शव मिला था। पीयूष की कहानी पर विश्वास न होने पर पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो पीयूष द्वारा ही अपनी प्रेमिका मनीष मखीजा की प्रेम जाल में फंसाकर भाड़े के हत्यारों से ज्योति की हत्या करवाने, उसे लूट व अपहरण की वारदात दिखाने की कोशिश करने का मामला सामने आया था। पुलिस ने पीयूष, उसकी प्रेमिका मशीष मखीजा, मनीष के ड्राइवर अवधेश कुमार चतुर्वेदी, पीयूष से सुपारी लेकर हत्या के साथ जटने वाले आशीष कश्यप, सुपारी किलर रेणु उर्फ अखिलेश कन्नौजी और सोनू कश्यप के अलावा पुलिस को सही जानकारी न देने के आरोप में पीयूष के पिता ओम प्रकाश मां पूनम, 2 भाइयों मुकेश और कमलेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर चार्जशीट कोर्ट भेजी थी। रेणु और सोनू के खिलाफ अमेक्स के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया था। रेणु के पास से पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए गए चाकू ज्योति के गहने बरामद किए थे। अवधेश रेणु और सोनू घटना के बाद से जेल में ही बंद है, जबकि बाकी आरोपियों को जमानत मिल गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट। मर्डर करने के लिए पैसा दे करके किराए पर उनको लाए थे और 3 बार अटेम्प्ट किया कि हमारी पत्नी की हत्या कर देना, और 3 बार अटेम्प्ट फेल होने, 2 बार अटेम्प्ट फेल हो जाने के बाद 3री बार प्री प्लान के हिसाब से उसको उस जगह पर मारा गया। और कहानी को इतना उसने झूठा बनाया। आप देखिए जो उसने FIR लिखाई, वो FIR अपने आप में को इस हद तक पहुंचाया है कि इनको कानून के हिसाब से कठोरतम सजा मिलनी चाहिए, और मैं कोर्ट से यही रिक्वेस्ट करूंगा। जी मैं कुछ नहीं करना चाहूँगा। मैंने जो न्याय की भीख मांगी थी वो मुझे मिल गई है, और मेरे दोनों प्रोसिक्यूटर जिनने मुझे सहयोग दिया मेरे बाजू में बैठे। कानूनी रूप से मैं अज्ञानी हूँ, कुछ नहीं कह सकता हूँ। जो कुछ कहेंगे, जो उनने कहा है वो ही कहेंगे, लेकिन मैंने, मेरा, इन लोगों ने जो साथ दिया है, जिस ईमानदारी के साथ और मुजरिमों को साथ, मैं इनका भी आभारी हूँ और कनपुरिया संस्कृति का भी बहुत आभारी हूँ। मुझे बड़ा सहयोग मिला है पूरे कानपुर के एडवोकेट से, जनता के, यहाँ के उस समय के बाहर के अध्यक्षों से, सब ने मेरा बहुत सहयोग किया है। बस मुझे न्याय मिला है, मैं ईश्वर को और सब जनता को धन्यवाद देता हूँ। उसके आगे मैं कुछ नहीं कहूँ। बहुत सी ताकतें लगी थी इधर उधर ले जाने के लिए, क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? वो सब कठिनाइयाँ जो है मैं अभी बता नहीं पाऊँगा, बयान नहीं कर पाऊँगा। उसके लिए आप लोग देख लें, इसके लिए एक फेसबुक पेज बना हुआ है, उस पर शुरू से अंत तक की पूरी कहानी है जो पुष्कर वाजपेयी जी के पास है। अगर आप लोग उनसे प्राप्त कर लेंगे तो आपको 27 जुलाई से लेके और आज 20 अक्टूबर तक की पूरी कहानी मिल जाएगी। रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।